हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। ये जो बॉक्स खाली है इसमें कौन सा नंबर फिल होगा यानी भराएगा, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सा नंबर किस तरह ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। फिर 3 और 5 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 5 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 7 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। सेम उसी तरह 4 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 8 और 12 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 12 और 16 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। सेम उसी तरह 12 और 20 को हम लोग ऐड करेंगे यानी 12 और 20 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 3 कितना आया, 32। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 32। सेम यहाँ भी 20 और 28 को हम लोग ऐड करेंगे, 20 28 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा यानी 48। यहाँ पे क्या आया, 48 आया। और फिर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करेंगे, 32 48 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 8 10 का 0 हासिल, 1 3 और 4 7 और 1 8 यानी 80 आया, 80। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 260 है, यहाँ पे 210 है। अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। सेम उसी तरह 210 है और 180 है, दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ 180 है और 160 है, अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 160 और 145 दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी 50 में अगर 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। फिर 30 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ 20 है, 20 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। सेम उसी तरह यहाँ भी 20 में 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 20 है। उसमें क्या माइनस करना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 के 0, 2 में से 1 के 1 यानी 10 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10। सेम उसी तरह 10 में से 5 माइनस होगा, 10 है, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग ऊपर सॉल्व किए हैं नीचे भी होगा, यहाँ भी माइनस होगा दोनों में, 10 में से 5 माइनस होगा, 10 है, इसमें से 5 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 5। यहाँ भी क्या आएगा, 5। इस तरह हम लोग आसानी से ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है वो दोनों से, एक ऐड था, एक सब यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्ट था यानी घटाव था। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 आएगा, 3 आ जाएगा, तो ये तो 3 नहीं है, नहीं। अगर इसको माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1 आएगा, ये यहाँ पे 2 है, तो ऐड करने पर या माइनस करने पर तो ये नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करेंगे, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 2 1 जा 2 2 आ गया। फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। 4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, यहाँ भी 5 4 जा 20। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, फिर 12 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72। यहाँ 20 में 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 240। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, 12 में 72 से मल्टीप्लाई होगा, 72 में किस से मल्टीप्लाई होगा, 12 से। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 864। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 864। अब ये कितना है, 72 है, यहाँ पे है
240 में 72 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 17280। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 17280, ये जीरो है, 17280। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 17280 में कितना है यहाँ पे, 864। 864 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14929920, ये आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 14929920 इतना आएगा पूरा। आप टोटल यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं इसको, ये आ गया 14929920। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मिसिंग नंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ऐसा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान ये होता है मिसिंग नंबर को निकालना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।